अब हम जा रहे हैं टाइगर फॉल और मुझे लग रही है भूख, तो मैं खा रही हूँ अपना चिप्स चटपट। अभी मैंने एक वो खाई थी चॉकलेट, वो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने सोचा मुझे चटपट चिप्स चाहिए चटपट। और मेरे पीछे इतने ज्यादा सुंदर है, देखो कितने ज्यादा सुंदर व्यू है यार। पता नहीं हम आए हैं, हम इस उम्मीद से नहीं आए थे कि इतना खूबसूरत होगा। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पागल हो जाऊंगी पता नहीं क्यों भाई, इतने अच्छे नज़ारे हैं कि बार बार उतरना पड़ रहा है, दो दो मिनट में दिखाना पड़ रहा है आप लोगों को, बस पूछो मत। टाइगर फॉल की एंट्री यहाँ पे, अगर आप नीचे जाओगे तो कार से जाओगे तो टिकट है यहाँ पे कार का, और ये रास्ता है, रास्ता काफ़ी नैरो है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं और कच्चे कच्चे हैं, देखो इधर देख सकते हो आप। सो थोड़ी बहुत दिन में गर्मी है, मतलब गाड़ी में बैठोगे तो गर्मी लग रही है, बाहर निकल रहे हो तो काफ़ी ठंड है, तो ठीक है एटमोसफेयर अच्छा खासा है यहाँ पे। बस ये है कि अगर आप आ रहे हो तो अच्छे से रोड को, और अगर आप परफेक्ट हो ड्राइव में पहाड़ों पे परफेक्ट हो। सो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन टाइगर फॉल पे, और आप आवाज सुन सकते हो, साउंड आ रही है। ये सब चॉकलेट वॉकलेट नहीं खानी थी। यहाँ चढ़ने की कोशिश, और यहाँ पे चढ़ चुके, अरे भैया लो हटो, मैं जा रहा नीचे। फोन वोन है ना जेब में। थोड़ा रास्ता यहाँ से जहाँ पार्किंग थी गाड़ी खड़ी होने की, तो वहाँ से थोड़ा रास्ता ट्रैकिंग का है, जैसे वहाँ फिर उधर 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 जाना है। तो आप अपने स्पोर्ट्स शूज लेके आए, स्पेशली गर्ल्स आप स्पोर्ट्स शूज लेके आए। यहाँ पे आप खा पी भी सकते हैं बैठ के। ये देखो छोटा सा झरना, और ऊपर से आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये। और आगे है आपका टाइगर फॉल, वाओ ये देखो। अमेजिंग, बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है, वाओ। ये देखो बहुत सुंदर है, ये ऊपर से आ रहा है कहीं से, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। आप यहाँ पे आओगे तो एक्स्ट्रा क्लोथ लेके आना, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे गीले हो चुके हैं, क्योंकि इसकी पीछे आप आवाज सुन ही सकते हो कितनी तेज आवाज आ रही है, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। बहुत ही ज्यादा, तो आप लोग आ भी सकते हो और एंजॉय कर सकते हो काफी ज्यादा, और कुछ लोग नहा भी सकते हैं यहाँ पे। अगर आप नहाना चाहो ना तो आप नहा भी सकते हो, यहाँ पे चेंजिंग रूम है फॉर गर्ल्स। तब यहाँ पे टाइम हो रहा है 3:10। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मेरी शायद आवाज नहीं आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइस हो रही है पानी की वजह से, पर अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब जाएंगे हम सनसेट पॉइंट पे, ठीक है, चलो मैं आपको साथ में लेके चलती हूँ। बहुत ही खतरनाक रास्ता है भैया, बहुत ही ऊंची चढ़ाई है। यहाँ पे हम कुछ खाने रुके हैं, भूख लग
लग रही थी, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, जो भी खाया वहीं पे खाया, उसके बाद हमने कहीं भी नहीं खाया है। सो और ठंड हो गई है, मैंने कहा था ना ठंड है, तो ठंड हो गई है काफ़ी यहाँ पे। ये दो मैगी ऑर्डर करी है हमने यहाँ पर, खाने देर के कुछ तो मिला नहीं। ये चक्रातक का छोटा सा मार्केट है, मार्केट के अंदर भी गेट लगा हुआ है, रात को बंद हो जाता होगा। हाँ सब कुछ, और आप मौसम देख रहे हो ऊपर, मौसम तो बहुत कर रहा है। ओए हो, भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, मतलब आप, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, इतने अच्छे व्यू हैं, इतने अच्छे, बहुत ही ज़्यादा। बस आपको सन दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मौसम यहाँ पे वो हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। हम जोश जोश में भाग तो लिए पर हम थक गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कैंट एरिया है। सॉरी, अरे लैंग्वेज का मतलब कुछ और होता है। जोश जोश में हमने बहुत ज्यादा तो भाग लिए और अब हम थक गए, क्योंकि ये पूरा ऐसे कढ़ाई कह रही हूँ चढ़ाई। ओ भाई क्या हो रहा है, कढ़ाई को अरे चढ़ाई को कढ़ाई कह रही हूँ भाई, बहुत ज्यादा ऊपर है, पर व्यू नंबर वन। सांस वास फूल गई, क्योंकि पूरा ट्रैकिंग एरिया है ना ये, मैं आपको दिखाती हूँ। अब देख सकते हो मेरे पीछे कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। ओह चलो, ये बहुत ज़्यादा है, हम वहाँ नीचे से आए हैं ऊपर तक देखने। हेलो कर दो, हेलो खाते से हेलो कर रहे हो बदतमीज। बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही होगी, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा, और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी अब तो, बहुत ज़्यादा तेज़ है, हवा का प्रेशर बहुत है, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। सन भी दिख गया है हमें, पर सनसेट नहीं हुआ है, पर सन दिख ज़रूर गया है। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा ठंड है यहाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है। आप नीचे देखो, वो पूरा फोकस मार रहा है सन इधर, कैमरा खोलने का। बारिश के साथ रेनबो भी हमें प्रॉपर दिखा है, पूरा फुल, आप देख सकते हो जहाँ पे ये दिख रहा है इधर, बहुत सुंदर है। नीचे ही देख रहे हैं हम, और बारिश भी हो गई है, सूरज सन भी निकल चुका है, सब कुछ हो गया आज हमारे साथ। अच्छे नजारे देख लिए कि देखो बर्फ तक पड़ने लगी है यहाँ पे, छोटे छोटे ओले पड़ रहे हैं, देखो कितने प्यारे हैं। आज हमें सब कुछ मिल गया देखने को, भगवान से और कुछ मांग लेते ना भगवान वो भी दे देते, बहुत ही खूबसूरत, बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत है। ये देखो मिनी ओला, बहुत ही ज्यादा, बहुत बढ़िया, ये नजारे कभी नहीं भूलेंगे हम। ये देखो छोटे छोटे, ये सब बोले हैं यहाँ पे, बर्फ भी पड़ गई है। ये हम यहाँ पे खाएंगे आलू का पलाठा। माय लाइफ थ्रू लेंस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम खा रहे हैं
आलू का पलाम था। तो क्या टाइम हो रहा है? 8:30 बज रहे हैं। 8:30 बज रहे हैं। हमारी हालत देख सकते हो, हम कितने ज़्यादा थक चुके हैं यहाँ पे। और अभी कुछ खाने रुके थे थोड़ा बहुत चटर पटर, वरना घर पे जाके तो खा ही लेंगे। बस ये था कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था, तो बस अब थोड़ा बहुत खाएंगे और उसके बाद हम चल देंगे। और थकान, मतलब जितने अच्छे व्यू देखे हमने, जितने अच्छे नज़ारे देखे, उतना ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं। सो बस बेड मिल जाए और हम सो जाए। बैटरी थोड़ी डाउन हो चुकी है, तो फिर चलो दिखाते हैं। बस थोड़ा बहुत ये व्लॉग एंड होने वाला है जल्दी से जल्दी। सो लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। हाँ, मैंने ट्राई किया है कि छोटा मिनी व्लॉग बनाऊँ, बाकी मेरा जो मेन पेज है मैंडिंग सिबलिंग्स, उस पर जाके आप पूरा डिटेल में जा सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर व्लॉग अपलोड हो जाएंगे कि कैसे गए, कौन से रास्ते से गए, कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो प्रॉपर डिटेल में है। ये तो मिनी व्लॉग था बस आपको नज़ारे दिखाने के लिए, कि थोड़े थोड़े नज़ारे आप भी देख लीजिए इस वाले चैनल पर। सो लाइक कमेंट करना मत भूलना, बाकी मैं आपको और चीज़ें दिखाती हूँ, कुछ दिखेगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर पेमेंट हो रहा पर नेट नहीं आ रहा, तो बहुत दिक्कत हो रही है। नेट की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, यहाँ पे आना, बस यहाँ की कॉफ़ी ट्राई मत करना, बहुत ही वही आता है। आप पराठा खा सकते हो आप, ठीक है खाने लायक थोड़ा बहुत, बस कॉफ़ी में ट्राई करो ना, बहुत गंदी है बहुत ज़्यादा। ये पोटा और देहरादून के बीच में विकास करके कुछ पड़ता है, वहाँ पे है होटल। सो मेरी जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है, अब हम जा रहे हैं घर, बस वहाँ पे आराम करेंगे और हम सो जाएंगे। फिर नेक्स्ट जर्नी, छोटा सा मिनी ब्लॉग कल आएगा आपके लिए, मींस नेक्स्ट ट्रिप पे। सो आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे चैनल पे? इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाती है अनुष्का, और अनुष्का का फैशन सेंस भी बहुत अच्छा है, तो फैशन वीडियोज़ के लिए भी अनुष्का को सब्सक्राइब करें और इसके वो फॉलो किया करिए फैशन और मेकअप ट्यूटोरियल के लिए। बाकी ये व्लॉग्स बहुत अच्छे बना रही है, तो व्लॉग्स तो हमारे एक्साइटिंग होते ही हैं। मैं भी, मुझे भी घूमना पसंद है, पर अनुष्का यूट्यूब पर कंटेंट भी बनाती है साथ में और घूमती भी है। तो अनुष्का को के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइफ थ्रू लेंस, सच में इसकी ज़िंदगी लेंस के थ्रू ही है, तो इस चीज़ को सब्सक्राइब करें, ज़रूर ज़रूर करें सब्सक्राइब, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी अनुष्का नया शॉर्ट्स या वीडियो आपके लिए डाले तो आप उससे अपडेटेड रहें। बिल्कुल। सो इस ब्लॉग में तो मैंने बहुत छोटी छोटी आपको क्लिप्स दिखाई हैं, छोटे छोटे नज़ारे दिखाए हैं, मींस मैंने डिटेल में पूरा कुछ नहीं बताया है। सो मेरा जो सेकंड चैनल है वेंडरिंग सिब्लिंग्स, तो आप वहां पे जाके डिटेल में पूरा व्लॉग देख सकते हैं, पूरा व्लॉग वहां पे ए टू जेड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैं डाल दूंगी। आप डिटेल कैसे हम चक्राता गए, क्या क्या हमारे साथ हुआ, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इसमें। वो कहते हैं ना ट्रेलर, इस ब्लॉग में आपको सिर्फ ट्रेलर मिलेगा, पिक्चर अभी बाकी है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग, मिनी व्लॉग कैसा लगा मेरा। सो मेरी तरफ से आपको शुभ रात्रि।